नमस्कार, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। किसान आंदोलन को लेकर तमाम बड़े क्षेत्रों की हस्तियां खुलकर सामने आ चुकी हैं और इस बार पहली बार केंद्र सरकार को अंदर से ही बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी को चेताया है कि वो किसानों को खाली हाथ ना जाने दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरदार 300 साल तक ये बातें नहीं भूलते। एक साल से राज्यपाल पद पर तीन तबादले झेल चुके सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद पहुंचे और किसान आंदोलन पर खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने किसानों की इस मांग का समर्थन किया कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को रोकने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की थी और वो प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ ना जाने दिया जाए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं, जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहां से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में, दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके पेड़ चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। वैसे मलिक अपने विवादास्पद बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सिर्फ शराब पीते रहते हैं और गोल्फ खेलते रहते हैं। उन्होंने आतंकवादियों से भ्रष्ट नौकरशाहों को गोली मारने तक की अपील की थी। सत्यपाल मलिक राज्यपाल होने के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता भी। इसी इलाके में जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीते तीन चुनावों की बात करें तो जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था और सत्यपाल मलिक का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने की तैयारी और कोशिश की जा रही है। तो ये सरकार के अंदर किसान आंदोलन को लेकर बन रहे मतभेद की ओर भी इशारा करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।